गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। निराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिदीन निराला आपके साथ। यूपी के बुलंदशहर जिले के गांव भारत के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला क्या है? मामला है मंदिर की मूर्तियों को तोड़ने का। 4 मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये 4 लोग हैं हरीश शर्मा, शिवम, केशव और अजय। इन 4ों को बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरीश के घेर पर सभी आरोपी बैठकर शराब पीते थे। शराब पीने के बाद मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी। पिछले दिनों दोस्तों रात गांव के मंदिरों में तोड़फोड़ की गई 31 की रात को। बाद एक तरह से इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई बिना किसी आधार के। आज तक के एक बड़े पत्रकार, बड़े न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी के द्वारा बकायदा इसको लेकर एक शो किया गया और उसमें कुछ इस प्रकार के बातें उन्होंने रखी। उनका कहना था कि भारत में अगर मस्जिद पर हमला हो जाए, चर्च पर हमला हो जाए, गुरुद्वारे पर हमला हो जाए तो मीडिया में खूब चर्चाएं होती हैं। पूरे एक तरह से इसको सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की और कहा कि अगर मंदिर पर हमला हो जाए तो इस देश में चर्चा नहीं होती। और बताया कि 131 साल पुराने मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। तो उन्होंने इसके साथ साथ कुछ और एंगल जोड़े ताकि इसको पूरी तरह से सांप्रदायिक बनाया जा सके। उसका कहना था कि जो व्यक्ति साहिल, जिसने उस लड़की का दिल्ली में मर्डर किया था, उसको भी बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। और 30 या 40% की आबादी बुलंदशहर के इस क्षेत्र में वो मुसलमानों की उसमें गिनवाते हुए नज़र आ रहे थे। ये वही सुधीर चौधरी है जिसने जिहाद को लेकर इस प्रकार के एजेंडे चलाए थे, इस प्रकार से लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, जो बिल्कुल पूरी तरह से निराधार, जिनका कोई आधार ही नहीं था, ऐसे एंगल जिहाद में जोड़कर इसने दिखाए थे। और हर वक्त ये इसी प्रकार के मुद्दों को हवा देने की कोशिश करता है ताकि सत्ता में बैठे अपने आकाओं को खुश किया जा सके और उनसे किस प्रकार की सहानुभूति प्राप्त की जा सके ताकि नौकरी बनी रहे। क्योंकि दोस्तों अभी जो उड़ीसा के बालासोर में घटना हुई है, ट्रेन घटना, उसके बाद तो बताया ये जा रहा है कि जो एबीपी न्यूज़ की मशहूर जानी मानी एंकर रूबिका लियाकत है, उसकी नौकरी इसी वजह से गई है कि जो उड़ीसा में घटना हुई थी बालासोर में ट्रेन, उसको लेकर उन्होंने कवच प्रणाली पर सवाल उठा दिए थे। हालांकि उन्होंने बाद में अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन लोगों का मानना है कि उनकी जो नौकरी गई है इसी वजह से गई है और अब वो भारत न्यूज़ 24 में नौकरी करेंगी। यानी उनसे एक बड़ा चैनल छीन लिया गया, उसमें जो नौकरी वो करती थी वो छीन ली गई। और उसका कारण ये बना कि उसने सरकार की कवच प्रणाली पर, कवच सिस्टम पर सवाल उठा दिए थे। तो कहीं ना कहीं इन न्यूज़ एंकर को अब झूठ इसलिए भी बोलना पड़ता है ताकि इनकी नौकरी बची रहे। और इसी के चलते देश की जनता को हिंसा की आग में झोंकने का एक तरह से काम करते हैं। उनको इस प्रकार की भड़काऊ चीज़ें उनके सामने लेकर आते हैं। जो काम एक पार्टी के प्रवक्ता को होता है दोस्तों, वही काम आज के दौर में गोदी मीडिया के एंकर कर रहे हैं। और केवल अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ये इस प्रकार की खबरें लोगों तक लेकर आते हैं और उनमें खूब सांप्रदायिक रंग घोलने की कोशिश की जाती है ताकि जो उसका राजनीतिक लाभ हो इनके आकाओं को मिल सके। तो दोस्तों अब जब ये पूरा मामला क्लियर हो चुका है तो उम्मीद करेंगे कि दोबारा सुधीर चौधरी आएंगे और ब्लैक एंड व्हाइट शो करेंगे और कुछ उसी प्रकार से इस मामले का खुलासा करेंगे कि किस प्रकार से जो मूर्तियां थी उनको खंडित करने वाले जो आरोपी थे वो कौन थे और किस वजह से, किस मंशा से उन्होंने वो वहां पर ये कृत्य किया है। बहरहाल आप बुलंदशहर पुलिस को सुन सकते हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले बटा पर। एक की रात्रि में थाना गुलावटी क्षेत्र के ग्राम बराल में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।
जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है, ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे, जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर इन चार लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं जिन पे कि हम लोग अपनी विवेचना प्रचलित रख रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध। अब तो देश की जनता को भी कम से कम इतना जान लेना चाहिए कि ये जो एंकर हैं, ये जो राजनेता हैं, ये केवल और केवल धर्मों को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां, अपनी अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें किसी के मरने से, किसी के कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल और केवल अपने पेट के लालच में जनता को लड़ाने का काम हर वक्त करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।